यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स का पार्ट 15 करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे ही वीडियोज़ देख लिए होंगे, और अगर अभी भी उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी रह गया है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पहले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड है डिसमल। डिसमल का मतलब हो जाता है डिम, डार्क, ग्लूमी, या फिर कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम, मतलब दुखद या निराशाजनक। ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन ए इज ब्राइट। ब्राइट का मतलब हो जाएगा हैविंग अ लॉट ऑफ लाइट, प्रकाश भरा या उज्ज्वल, चमकीला। ऑप्शन बी इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मीन्स नॉट वेरी गुड, जो बहुत अच्छा ना हो, जो साधारण हो, मामूली सा हो। ऑप्शन सी इज फास्ट, मतलब तीव्रगामी या तेज। ऑप्शन डी इज एनर्जेटिक, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, शक्ति व उमंग संपन्न। तो मैंने आपको सभी ऑप्शंस के मीनिंग बता दिए। और ये जो वर्ड है डिसमल, विच मीन्स दुखद या निराशाजनक, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम या फिर डिम या डार्क, इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन ए ब्राइट, क्योंकि ब्राइट का मतलब हो जाता है प्रकाश से भरा हुआ, उज्ज्वल, चमकीला, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित या खुशनुमा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरिल। इम्पेरिल का मतलब हो जाता है टू पुट समबडी इन डेंजर, किसी को खतरे में डालना। ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन ए इज सेफगार्ड, मतलब टू प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम डेंजर, किसी को खतरे से बचाना, किसी की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी इज कंस्ट्रक्ट, मतलब टू मेक समथिंग, किसी वस्तु का निर्माण करना, रचना करना। ऑप्शन सी इज क्रिएट, इसका मतलब भी वही होगा, कुछ नया उत्पन्न करना, रचना करना या बनाना। एंड ऑप्शन डी इज ब्राइटन, विच मीन्स टू मेक समथिंग ब्राइटर, किसी को पहले से ज़्यादा चमकीला बनाना या चमकाना। तो मैंने आपको सभी ऑप्शंस के मीनिंग बता दिए। और ये जो वर्ड है इम्पेरिल, विच मीन्स टू पुट समबडी इन डेंजर, इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन ए सेफगार्ड, विच मीन्स टू प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम डेंजर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब हो जाता है एक्टिंग इन अ लाउड और कॉन्फिडेंट वे दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा भड़कीली तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा इस तरीके से काम करना कि लोगों का आपकी तरफ ध्यान आकर्षित हो, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, दिखावा करना, इसे ही बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन ए इज इलेबोरेटली, मतलब इन अ केयरफुल मैनर, बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक। ऑप्शन बी इज रियली, मीन्स इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तव में, सचमुच। ऑप्शन सी इज नॉट शोई, मतलब जो दिखावटी ना हो। एंड ऑप्शन डी इज सेंसिबली, विच मीन्स समझदारी से। तो मैंने आपको सभी ऑप्शंस के मीनिंग बता दिए। और ये जो वर्ड है फ्लैम्बॉयंट, विच मीन्स शोई, दिखावटी, इतना भड़कीला कि वो अपने और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन सी नॉट शोई, मतलब जो दिखावटी ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉनिक। क्रॉनिक जो है ये किसी डिजीज़ या प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड अबाउट अ डिजीज़ और अ प्रॉब्लम दैट कंटिन्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसा रोग या समस्या जो कि दीर्घकालिक हो, बहुत लंबे समय तक चलती हो, उसे बोलते हैं क्रॉनिक। ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन ए इज़ पैथेटिक, मतलब दयनीय या करुणाजनक। ऑप्शन बी इज़ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषता या फिर आपके वो लक्षण जो आपको दूसरे लोगों से भिन्न बनाते हों, दूसरे लोगों से अलग बनाते हों। ऑप्शन सी इज टेम्पररी, मतलब लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो परमानेंट ना हो, जो अस्थाई हो, उसे बोलेंगे टेम्पररी। एंड ऑप्शन डी इज माइल्ड, मतलब नॉट वेरी स्ट्रांग, नरम या हल्का। तो मैंने आपको सभी ऑप्शंस के मीनिंग बताए। और ये जो वर्ड है क्रॉनिक, जो कि किसी समस्या या किसी रोग के लिए, किसी डिजीज के लिए यूज होता है, जो कि बहुत लंबी होती है, इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन सी, एक मिनट, इसका एंटोनिम होगा यहाँ पे ऑप्शन सी टेम्पररी, मतलब जो छोटे टाइम के लिए होती हो, जो अस्थाई हो, टेम्पररी हो, जो परमानेंट ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विट्यूपरेटिव। विट्यूपरेटिव का मतलब हो जाता है बिटर और अब्यूजिव, मतलब निंदापूर्ण या अपमानजनक, अपमानपूर्वक। ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन ए इज जॉयस, मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, जो आनंदमय हो, जो हर्षपूर्ण हो। ऑप्शन बी इज लॉडेटरी, मतलब एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड कमेंडेशन, मतलब जो सराहने योग्य हो, जो प्रशंसा युक्त हो,
जो कमेंडेबल हो उसे बोलेंगे लॉडेटरी, ऑप्शन सी इज क्रिटिकल मतलब गंभीर या नाजुक, एंड ऑप्शन डी इज वर्चुअस मीन्स बिहेविंग इन अ मॉरल गुड वे, सदाचारी या सदगुणी। तो मैंने आपको सभी ऑप्शंस के मीनिंग बताए, और ये जो वर्ड है विट्यूपरेटिव, इसका एंटोनिम होगा लॉडेटरी, क्योंकि विट्यूपरेटिव का मतलब हो जाता है अपमानपूर्वक, निंदापूर्ण, और यहीं पे ऑप्शन बी लॉडेटरी विच मीन्स जो चीज़ सराहने योग्य हो, जो कमेंडेबल हो। तो होप आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस किए, आई होप आप सभी को इन सभी वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होंगे। अगर स्टिल डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।